तो दोस्तों देख सकते हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर जो है बोट का जो ब्लूटूथ स्पीकर है, इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो, स्टोन 350, ठीक है। तो ये जो है ख़राब हो चुका है, हम इसको रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ख़राबी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जो चार्जिंग पोर्ट है वो जो है टूट गया है और ये चार्ज नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब चार्ज नहीं होगा तो ये चलेगा कैसे, ठीक है ना। तो ये जैसे अभी मैं इसको अगर ऑन करूँ तो ये जो है ऑन होगा, देख सकते हो। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. Adios, amigo. Powering off. तो देख सकते हो ये जो है चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो है बस एक प्रॉब्लम है, चार्जिंग नहीं हो रही, ठीक है ना। बाकी सब जो है ठीक है। तो हम आज वही इसी का जो सोल्यूशन निकालेंगे, और देख सकते हो जो इसको हिला रहे हैं तो इसके अंदर से साउंड आ रही है। तो हम इसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा। तो सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, इसको हम ओपन करेंगे। तो ओपन आपको केयरफुली करना है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, पहले तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर रबड़ पैड लगी है, ठीक है। इसको जो आप ऐसे इस तरीके से निकालोगे तो यहाँ पर स्क्रू है, ठीक है। तो इसको जो खोल लेंगे, और सेम इसी तरीके से जो इस साइड जो है रबड़ लगा है, यहाँ से स्क्रू खोल लेंगे, ठीक है। उसके बाद से जो है आपको ये जो ग्रिल है ये निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है आपको पुश करना है और इसको बाहर को निकालना है, ठीक है। ये एक तरफ का जो ये ग्रिल निकल गया है, अब दूसरी तरफ से भी जो सेम इसी तरीके से इसको जो है किसी निकुली चीज़ से निकालना है। तो इस तरीके से जो है इसको निकालना है, तो ये जो है बाहर आ जाएगा। और देख सकते हो हमें जो है बेसिकली करना क्या है, हमें ये चार स्क्रू ओपन करने हैं। तो सबसे पहले तो इन स्क्रूज को जो है ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हो मैंने जो दोनों तरफ से स्क्रू ओपन कर लिए हैं। अब जो हमें क्या करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर जो ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पर हम जो है इसको जो है हम खोलेंगे, तो ये जो है पार्ट ये अलग पार्ट है। तो इस पार्ट को यहाँ से दो स्क्रू और हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रू और यहाँ पर है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो ये जो पोर्शन है इस तरीके से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको भी रखते हैं साइड में। तो आप देख सकते हो ये बेस ट्यूब थोड़ी सी फटी है, ठीक है। तो पहले जो है ये किसी कस्टमर ने खोला होगा तो फट गया था, हम इसको भी ठीक कर देंगे। और दूसरी साइड यहाँ पर जो है बेस ट्यूब लगा है, देख सकते हो, तो ये भी थोड़ा फटी कंडीशन में है, तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे। और अब जो है हमें क्या करना है, हम इसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है कट बना है और यहाँ कट बना है, और ये इस तरीके से जो है ये पार्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चार स्क्रू और हैं, तो ये पोर्शन भी बाहर आ जाएगा। तो इसे भी जो है आपको खोल लेना, तो इस तरीके से जो है इसको ओपन कर लेना, ठीक है। ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने फाइनली ओपन कर लिया। तो इसमें फ्रेंड्स कुछ भी और ख़राबी नहीं है। तो ख़राबी भी जो है ये चार्जिंग जैक में है, ठीक है, ये जो टूट चुका है। और सबसे पहले जो हम इसको रिपेयर करेंगे तो इसको जो हम निकाल लेंगे इस स्पीकर को, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो ये बैटरी है, ठीक है। तो बैटरी भी ठीक है, तो यहाँ से हम बैटरी को भी निकाल लेंगे, ठीक है। बैटरी को निकालने के बाद से जो फ्रेंड्स अब जो है आप देखोगे कि ये जो चार्जिंग जो जैक है यहाँ पर जो दो स्क्रू लगे हैं, देख सकते हो, हमें तो है इन दोनों को ओपन करना होगा पहले। तो देख सकते हो यहाँ पर जो है मैंने दो स्क्रू ओपन कर लिया, अब जो है हम इसको निकालेंगे। तो देख सकते हो ये जो है ओपन हो चुका है। अब इसको जो मैं ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो पीछे वाला पार्ट है ये टूट चुका है, और यहाँ पर आप देखोगे ये जैक जो है ये टूट चुका है, ठीक है। तो ये जो है इसके प्रिंट टूट चुके हैं, हम जो इसको यहाँ पर जो है फिर से लगाएंगे और जो इसकी पूरी सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इन सारे जो है पॉइंट्स को भी निकाल लूँगा मैं। इसको भी हम निकाल लेंगे, कुछ
इस तरीके से। तो ये जो पोर्शन अलग हो चुका है, और जो यहाँ पर मदरबोर्ड में आप देख सकते हो, हमें जो है यहाँ पर इसको रिपेयर करना है, देख सकते हो ठीक है। तो यहाँ पर जो है कस्टमर ने पहले भी रिपेयर कराया था, तो यहाँ पर प्रिंट टूट चुका है, तो यहाँ पर एक वायर यहाँ पर है और एक वायर और होगी ठीक है, तो हम उसी को पता करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देख सकते हो ये जो जैक है, तो जैक की कंडीशन ठीक है। हम जो है इसी को जो यहाँ पर माउंट करेंगे कुछ इस तरीके से ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जैक को माउंट करेंगे, तो वो देखते हैं किस तरीके से माउंट करना है, तो सारी डिटेल मैं आपको दिखाते रहूँगा। दोस्तों यहाँ पर जो है हम यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेंगे पहले, तो उसको चेक करने के लिए ये जो जैक लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं या फिर नहीं। फिर जो है हम इसमें वायर शोल्डिंग करेंगे और पीसीबी में शोल्ड करेंगे। 5 वोल्ट के करीब वोल्टेज शो कर रहा है, तो इस तरीके से जो आप उसका पोलैरिटी देख सकते हो, ये जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में जो है हम ये पॉजिटिव वायर लगाएंगे ठीक है। तो इसको जो हम इसमें शोल्डिंग कर लेते हैं, देख सकते हो इस तरीके से ये चार्जिंग ऑन हो जा रहा है, तो कुछ इसी तरीके से हमें कनेक्शन करने हैं इसके। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो है 2 वायर निकाल लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के। तो वायर में आप कन्फ्यूज़ मत होना, आप वायर मैंने सेम लगाया, आप अलग अलग भी लगा सकते हो। तो अब जो है हमें क्या करना है, इसको जो है कुछ इस तरीके से पीसीबी पे माउंट करना है, कुछ अपने इसकी ओरिजिनल जगह पर कुछ इस तरीके से जो है इसको माउंट करना है। और माउंट करने से पहले जो है आपको एक बार इसको लगा के जो है चेक कर लेना है। तो थोड़े से मैं इसके कनेक्शन कर देता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर जो जैक जो है मैंने अच्छे से शोल्ड कर दिया। जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ तो ये जो चार्जिंग शो करता है, तो एक बार से जो हम इसको जैक को लगाकर यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज चेक देख लेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं या फिर नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पर जो है 4.2 वोल्टेज के करीब आ रहे हैं, तो हम इसका मतलब है कि जो हमने जो जैक लगाया है बिल्कुल प्रॉपर वैसे अच्छी कंडीशन में सही से लग गया है ठीक है। तो चलिए अब हम इसको जो है अच्छे से पैक कर लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं ग्लू लगाऊंगा जिससे कि ये अच्छे से पैक हो जाए ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल करेंगे हम, और चलिए मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। पीसीबी और कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगेगी, इंस्टॉल होगी ठीक है। तो आप देख सकते हो जो जैक है वो अपनी जगह पर है ठीक है, इस तरीके से इंस्टॉल होगी और जैक भी जो है अपनी जगह पर अच्छे से लग जाएगा। अब जो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो हम ग्लू गन से जो इसको कवर करेंगे ठीक है, आप ग्लू गन लगा सकते हो, या अदर आपके पास और कोई ग्लू है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर जो है मैंने ग्लू लगा दिया है, अब जो है हम इसको इसके अंदर जो है लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हो ये जैक भी अपनी पोजीशन पे है, ये जो है हमारे पास जो है इसको लॉक करने के लिए दिया है, अब हम इसको अच्छे से इसको लगाकर लॉक कर देंगे। तो दोस्तों ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, और ये जो है आपको कोई और नहीं बताने वाला ठीक है। तो आप जो है आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करना। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो ये अच्छे से लॉक हो चुका है, अब जो है हम एक बार फिर जैक लगाकर चेक कर लेंगे ठीक है बंद करने से पहले। तो यहाँ पर मैं जैक लगा रहा हूँ, तो देख सकते हो एलईडी जो है
जलने लगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको रिपेयर करना है। अब जो है मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ, तो अब उसको जो है अच्छे से बंद करना और कोई जल्दबाजी मत करना। इतने कनेक्शन हो जाने के बाद से आपको क्या करना है, इसको स्पीकर को जो है बंद करना है। तो देख सकते हो मैंने जो है इसको बंद कर दिया है। अब देखोगे यहाँ पर जो है ये ट्यूब्स जो है निकली हुई हैं, हमें इसके अच्छे से कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर इसको बंद करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं ग्लू लगा दूँगा। इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के जो है जहाँ जहाँ से ये जो है ख़राब है कवर कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगा दिया है। डोंट वरी, अगर ये ग्लू थोड़ा सा सूख लेने दी ना, अच्छे से जो ए टाइट हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने ग्लू लगाया था ये भी सूख चुका है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इस ट्यूब को भी हमें इस जगह पर लगाना है कुछ इस तरीके से। तो हम जो है इसको बंद करेंगे ग्लू की हेल्प से। तो पहले यहाँ पर जो है चारों कोने ग्लू लगाएंगे, फिर जो है हम इसको अच्छे से बंद करेंगे ताकि ये जो है अच्छे से जो है बेस प्रोड्यूस करे। तो देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है। अब जो है हम सिंपली सा इसको जो है यहाँ पर लगा देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा फटा हुआ है, तो हम इसको भी ग्लू की हेल्प से बंद करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने जो है सारे ऑलमोस्ट कनेक्शन कर दिए हैं और जो अच्छे से जो है इसको फिट कर दिया है। अब जो है हम इस केस को जो है लगाएंगे, तो इसको देख सकते हो यहाँ पर ये चार्जिंग होने लगा है, ठीक है। तो आप जो इसको चार्ज करके आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैं जो है आपको ऑन कर दिखा देता हूँ। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. और यहाँ पर ये जो चार्ज होगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो, तो एक लाइक करके जा सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।